एक वायरल हैशटैग ट्रेंडिंग नाउ द टाइम ऑफ गैलेक्स ओटी गेमिंग। तो ये सर मैं हूं गैलेक्स, और आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने सर्वाइवल सीरीज के पार्ट थ्री में, मतलब कि सर्वाइवल सीरीज के अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं अपन लोग। तो हाँ, ये अपना जो वर्ल्ड है यार, देखो अपन लोगों ने ना लास्ट टाइम ना आयरन आर्मर बनाया था, विलेज ढूंढा था और अपना घर बनाना चालू कर दिया। तो गाइस सर मैंने बोला था कि यार जमीन वमीन बदलेंगे घर में, भाई बहुत कुछ काम करना था। तो यार देखो तुम्हारे भाई ने क्या कराया ना, अभी देखो नीचे जितनी भी जमीन थी ना मैंने वो सब हटा दी, और आज इसको ना वुड और ये मतलब दो तरीके के वुड से आज हम इसको कन्वर्ट करने वाले। और भाई अंधेरे की वजह से मॉब्स स्पॉन हो रहे थे तो मैंने अभी टॉर्च लगा दिए। एंड देखो यहाँ पे ना मैं दो तरीके से मतलब ऐसी सीढ़ी बनाई ऊपर आने के लिए, थोड़ी सी डिजाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पे दो सीढ़ी बनाई। वैसे मैं एक बना सकता था बट दो ज़्यादा बढ़िया लग रही थी तो मैंने दो बना दी और गिर गया मैं। और हाँ बाकी वुड वुड के लिए ना मैंने पीछे वुड उगा लिया भाई, सेपलिंग वेपलिंग कलेक्ट करके जंगल से, ठीक है। बाकी हाँ मैं एक बार ना मर गया था यार अभी अपने वर्ल्ड में, नहीं जस्ट यहाँ पे खड़ा था और मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चले गया था तो मैं मर गया और सामान डिस्पर हो गया, बट मैंने वापस से बना लिया अभी कोई बात नहीं। एंड गाइस ये देखो मैं तुम्हारे भाई ने भी ना यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाया कि एक 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 रास्ता इस तरफ को है और एक रास्ता इस तरफ को है, तो इसके बीच में बहुत जगह बच रही थी। तो इसीलिए मैंने ना क्या किया कि मैंने यहाँ पे माइन बना दी जहाँ पे हम लोग माइन करेंगे। और बाकी हाँ अभी तो भाई देखो इतना कम हुआ है। और हाँ छत छत मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने छत पूरी कंप्लीट कर दी। यहाँ ये इस वाली जगह से इतने भी स्टोन निकलते हैं तो मैंने निकाल के ऊपर लगा दिए, और थोड़े बहुत कंफर्टर थे तो मैं वहाँ अंदर से लेके लगा दिए, ठीक है। बाकी जो मैं वापस से दोबारा से जो मैंने ग्राइंड करे थे वो अभी मेरे पास इतने पड़े, मतलब कि मैं जब वापस से आयरन आर्मर और ये सब बनाने के लिए मैंने सब कलेक्ट किया था तो इतने मेरे पास पड़े हुए अभी। और गई थी देखो अभी बाहर आने के लिए मैंने ये सीढ़ियाँ बना दी, बस हाँ ये सीढ़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बाकी यार मेरे को ना एक एक सीढ़ी कहीं पर भी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने सब दूर दो दो बनाई है यार, क्योंकि ना दो ज़्यादा अच्छी लुक दे रही है मेरे को, तो मैं भाई दो सीढ़ियाँ बनाई। एंड गई हाँ आज ना हम लोग अपने घर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले, मतलब आज अपना अपन लोग पूरा जो घर है उसको अभी तक ये 50% कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसको 100% तो नहीं भाई 80% कर देंगे, क्योंकि 100% तो ये घर तब कंप्लीट होगा जब इसकी छत पूरी हो जाएगी। और छत यार मतलब छत तो आप लोग देख तो रहे हो कि पूरी फुल हो चुकी है, बट एक दिक्कत है कि यार यहाँ ऊपर भी अभी हमको कुछ बनाना है, तो जब तक वो जो ऊपर बनाने वाला जो मेरे पास आइडिया नहीं आया था तब तक 20% काम अपना बचा रहेगा। तो आज अपन लोग 80% मतलब 30% अपने को और काम करना है इस पर, तो लग जाते हैं काम पे। तो यार देखो सबसे पहले तो ना कि अपने को ना यहाँ पे ये दो तरीके के वुड को ना मतलब सबसे पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा, एक बर्च होगी और एक होगी ये ओक वाली। तो यार मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे कलेक्ट करके मैंने लगा के देख रहा था कैसा लग रहा है, सर ये देखने में तो बहुत ही सही लग रहा था। तो अभी ना यार मैं यहाँ पे से वुड वुड कलेक्ट कर लेते थोड़ी सी, फिर बनाना इसको स्टार्ट कर दे आगे का। तो देखो सेपलिंग फटाफट, अरे यार बारिश बहुत होती है यार, पता नहीं जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्डर चालू करता हूँ ना बारिश बहुत होने लग जाती है अपने वर्ल्ड में। यहाँ पे एक लगा दो भाई, जैसे जैसे तोड़ते आता हूँ ना मैं वैसे वैसे वापस लगाते आता हूँ। तो एक काम करते भाई, देखो दो तरीके की वुड, तो पहले एक एक वुड लगाते तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और चलो 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 बढ़िया, और एक यहाँ पे लगा दो वापस, 14 हो गई मेरे पास में, 14 से एक स्टिक तो हो जाएगा शायद। तो पहले भाई जो जो वुड अपने को पहले अपन तोड़ रहे हैं ना पहले उसी से पूरा काम कंप्लीट कर देते, बाद में और भी लगाते ही रहेंगे, ठीक है। वाह होने लग गए, उगने लग गए पेड़, बारिश हो रही तो थोड़ी जल्दी भी उग जाएंगे, ये सही सिस्टम है। और मैं फटाफट से देखो ओक वाली वुड तो मेरे पे आई गई है, नहीं फटाफट से चलते और वापस से इधर इसको लगाओ। देखो तो 12 और बच रहे, नहीं नहीं ज़्यादा है, और 15 15 15 और मेरे पास में, तो अभी फटाफट से घर में चलते। पहले तो भाई इतने इतनी लगा देते, बाद में और भी उगाएंगे और भी तोड़ेंगे, तो लग जाते फटाफट से काम के। मैं सबके प्लैंक्स बना लेता हूँ वो इसमें। तो वैसे यहाँ पे 28 स्टिक वुड का मेरे पास यहाँ पे ना दो स्टिक वुड प्लैंक्स बन चुके हैं, मतलब यार ये तो बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं। तो मतलब जो ज़मीन है घर की यार वो तो बहुत जल्दी हो जाने वाली है, उससे मतलब इसको देख के यही पता चल रहा है। मैं फटाफट से इसको कंप्लीट इधर से देखो, मतलब दो तरीके की वुड लगाने, तो भाई पहले ना जो ओक वाली पहले इसी का सारा काम निपटा, मतलब मैं कैसे करूँगा ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक वुड लगाऊंगा ये वाली, एक लगाऊंगा ये वाली, फिर एक बार ये वाली, फिर एक बार वो बर्च वाली, फिर एक बार ये वाली, ऐसे करके फिर मैं इस पूरे काम को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो भाई इसमें टाइम तो जाएगा पर इतना भी कुछ खास टाइम नहीं जाने वाला है, तो मतलब जल्दी से जल्दी हो जाएगा ये, मतलब इतना टाइम नहीं लगने वाला जितना ऐसा लग रहा है ना कि भाई बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम नहीं लगने वाला भाई, कम से कम टाइम में हो जाएगा ये। और बस भाई अभी लग जाते काम पे, बनाना स्टार्ट कर देते पूरे रूफ को।
ओके तो गाइस यहाँ पे देखो अपना जितना भी वुड वुड का मतलब जो ओक प्लैंक का काम था वो तो हो चुका है एंड मेरे पास अभी 37 ओक प्लैंक हो चुके हैं। तो देखो मतलब 37 ओक प्लैंक मेरे पास बच रहे हैं। बाकी हाँ मतलब जो ओक प्लैंक जो अपने को रूफ पे लगाने थे वो तो अपन ने लगा दिए अभी, अपने को सॉरी फ्लोर पे जो लगाने थे वो अपन ने लगा दिए अभी ना, अपने को लगाना है यहाँ पे बर्च वाली वुड। तो भाई फटाफट से चलते हैं, और बर्च वाली वैसे इतना कुछ मुश्किल काम है ही नहीं है ना, जितना मुझे लग रहा था उतना कुछ काम मुश्किल है ही नहीं भाई। मैं टेंशन ले रहा था, मेरे को लग रहा था भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बट बहुत आसानी से हो गया ये काम तो, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास एकदम पास में भाई जंगल है पूरा का पूरा, तो इस वजह से मतलब हमने खुद ने हमारे घर के एकदम पास में ही लगा लिया भाई, तो काम आसान हो चुका है। बाकी हाँ फटाफट से अभी और भी सारी सारी की सारी बर्च लेके निकलते हैं इस वाली जगह से और आगे का काम चालू करते हैं। ये क्या गाइस मैं वहाँ पे जस्ट खड़े होकर अपना मस्त एकदम बना रहा था यार, यार भाई मैं बर्च के वहाँ पे अपने प्लेन से बना रहा था और क्रीपर आके पड़ गया यार। सच में भाई सर्वाइव वर्ल्ड जितनी ज़्यादा मुश्किल भाई एक एसएमपी में नहीं आती ना उससे ज़्यादा डबल मुश्किल है, तो भाई एक सर्वाइवल वर्ल्ड में आती है भाई। मैं बता रहा हूँ सर्वाइवल वर्ल्ड में खेलना ना उतना उतना आसान है नहीं जितना लगता है भाई, मुश्किल है भाई इसमें खेलना, बट हाँ फिर भी जो बंदा प्रैक्टिस दे ना वो खेल सकता है, उसके लिए आसान काम है। यार मैं अपना मस्त खड़े होकर वहाँ पे प्लेइंग से बना रहा था और क्रीपर आके कि भाई फट गया एकदम, बट चलो कोई बात नहीं सही है। अभी अपन लोग वापस से अपने काम पे लग जाते, ज़्यादा मुश्किल अभी यार देखो बर्च लगाने से बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बर्च यार कम लगानी है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगानी, इतनी ज़्यादा ओक लगानी थी क्योंकि यार हम लोगों ने ओक से शुरू किया था तो इसलिए ज़्यादा ओक लगी, बाकी तो यार इतना कुछ है नहीं। ठीक है तो अभी इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ऑल राइट तो कहते यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो भी अपना वुड है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और अभी देखो मतलब जो दो तरीके का मैंने वुड लगाना था और मैंने वो लगा दिया। ठीक है तो ये तो अपना एक काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब अपनी जो पूरी की पूरी जो फ्लोर है वो कंप्लीट हो चुकी है, और भाई छत तो अभी मतलब वैसे कोबल स्टोन की यार बकवास लग रही है, वैसे पूरा घर भी इतना वैसे कुछ खास लग नहीं रहा है, बेटा जैसे सामान मिलता जाएगा वैसे वैसे घर भी अच्छा अच्छा होते आएगा, बट हाँ अभी तो यार देखो कुछ ऐसा हाल है अपने घर का। बाकी हाँ अभी के लिए तो ऐसा ठीक लग रहा है यार, बिगिनिंग में इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो यार देखो मैंने अंदर ओक की वुड लगाई है, मतलब ओक की स्टर्स लगाई थी, मैं बाहर लगाने वाला हूँ ना बर्च की स्टर्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा फिर, तो मैं इसको बाहर जाकर और हाँ भाई अंदर अंधेरा नहीं रहने देना है, क्योंकि अगर इतनी मेहनत करने के बाद में अंदर कोई भाई क्रीपर फूट जाता है ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मेरा हर हर एक पॉइंट पर आ जाए अंधेरा हो रहा है वहाँ वहाँ पे मैं टॉर्च लगा देता हूँ, जैसे कि भाई देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, और अगर रात होती ना तो फिर यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए मैं लगाते हुए जाऊँगा यहाँ से एक इधर फिर एक इधर, और अभी भी मेरे पे 4 बज रही है। एक काम करते हैं एक इधर लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है अभी आप अंधेरे से भाई बाद में यार सारी टॉर्च को ना अच्छे से लगा देंगे, बाकी अभी तो ऐसे ही मतलब रखे रहने देते हैं, अभी तो ऐसे ही ठीक है। बाकी यार इधर ज़्यादा वुड लग जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर ना मैंने 3 का बनाया है, क्योंकि 2 का बाहर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने 3 ब्लॉक का मैंने पूरे स्टर्स को बना के रखा है, ये लगा दी भाई मैंने स्टर्स, और ये अच्छा नहीं दिख रहा ना भाई सही सही बताना, मैं इसको एक एक ब्लॉक और आगे बढ़ा देता हूँ भाई, जितना बाहर रहता है ना उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि फिर एक तो ना मॉब से फिर सिक्योरिटी बहुत हो जाती है, समझ रहे हो, कुछ बंदे समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मॉब से सिक्योरिटी से मेरा क्या मतलब है। और इधर अरे भाई थोड़ी सी एक दो कम पड़ गई भाई, दो स्टेयर्स कम पड़ गई, पूरा ही काम हो गया था यार। चलो कोई बात नहीं फटाफट से भाई रात हो रही है, और रात में भाई सर्वाइवल सर्वाइवल वर्ल्ड में रात में काम करना भाई अच्छी बात नहीं है, अंदर जाके सो जाते वरना तो भाई मौत लेके भाई मैं बता रहा हूँ। ठीक है फटाफट से चलते और सो जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है अंदर कूदना था मेरे को, चलो सो जाते हैं भाई। सच में यार क्रीपर ने भी एक तो हालत ख़राब करके रखी भाई, क्रीपर यार आई हेट क्रीपर,
मैं बना लेता हूँ स्टेयर्स, और दो स्टेयर्स तो बनानी है वैसे मुझे, चार चार बन रही है वाली, ले लो डन। अभी इसको लगाते हैं और देखते हैं भाई कैसी लुक आ रही घर की। बाकी हाँ नेक्स्ट एपिसोड में यार मैं ना मैं सोच रहा हूँ कि यार आयरन फार्म बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ। ओके ये सही लग रहा है भाई, हाँ यार ये सही लग रहा है, ठीक है मेरे को तो सही लुक आ रही। अभी आप लोगों कैसे आ रही भाई कमेंट करके बताना, ठीक है। ये अपना काम हो चुका है यहाँ पे एकदम प्रॉपर डन, और इसको एक एक ब्लॉक और ऊपर उठा देता हूँ मैं, इसको इधर से और इसको इधर से। बाकी अब बाद में यहाँ पे ना पूरी एक बाउंड्री बाउंड्री ऐसा बना देंगे, अभी के लिए तो इसको इसी रहने देते। एक और आगे आगे बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तू भी एक आगे हो जा। अरे क्या कर रहा हूँ, एक आगे होने को बोला था, ये क्या हो गया, टूट टूट टूट। चलो अभी कैसा लग रहा है वैसे, ऊपर मैंने चेंज किया है, बाहर से तो कुछ बदलाव दिखेगा नहीं वैसे, नहीं वैसे दिख रहा है ऊपर चढ़ा हुआ सा दिख रहा है, तो ये सही लग रहा है। अभी फटाफट से चलते घर के अंदर। एंड हाँ गाइस आज के वाली एपिसोड के लिए इतना ही, क्योंकि भाई मैं अभी यार ऊपर वाले काम को करने के लिए यार मेरे पास ना इतना मतलब टाइम नहीं, और भाई बहुत कुछ स्टॉप भी लगेगा उसके लिए, और आयरन फार्म बनाना है तो भाई आयरन फार्म यार अगर मैं अभी बनाने बैठता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा एपिसोड यार बहुत लंबा निकल जाएगा, और आप लोग वैसे भी इतना लंबा देखते नहीं हो, तो इस वजह से भाई आज के एपिसोड को एंड करते हैं यहीं पर। एंड अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। तो सर आप चलो सर, आई होप कि आपको आज की वाली गेम वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज के पार्ट में, जब तक तब तक के लिए बाय बाय।